क्या होता है इनके लाइफ में एंड वेल तेज रफ्तारी से लोगों को पसंद आएगी ये उम्मीद है हमारी. एक्चुअली मोर देन चैलेंजिंग ये था कि फॉर चेंज आई एम नॉट प्लेइंग द स्वीट सिंपल सपोर्टिव पार्टनर एज फार एज you know, Sameer Soni's character is concerned. Unka, he's a coach in the film and I play his better half. Hum aksar ye dikhate hain ke, you know, women, and that is the truth, that they're very supportive of their partner. So, isme thoda sa humne twist bhi rakha hai, where she goes through a transformation, aur kyun hota hai, kya hota hai, and thodi si stern bhi hai, strict bhi hai, practical bhi hai. And I think ye ek बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल था मेरे लिए एंड टू टिपिकली प्ले यू नो हाउस अ पर्सन हु डज बिजनेस लुक्स आफ्टर द हाउस एंड फिर भी अपने हस्बैंड को हु इज आल्सो यू नो जब ऐसा होता है कि कई बार जब कोई हारा हुआ इंसान होता है तो ही नीड्स हिज फैमिली एंड हिज एंड देयर स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट. तो काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव है फिल्म में. सो व्हेन यू वॉच इट यू नो but it's a fun film and I enjoyed shooting for it. Humne Allahabad mein shooting ki thi, bahut zyada garmi bhi thi in the month of May, but yeah, it was fun with the entire cast. Well, बच्चों के बारे में specifically अगर आप देखें तो आजकल तो it's a little better than before, but कभी कभी ऐसा भी होता है. आजकल प्लेटफॉर्म्स कई आ गए हैं चाहे वो कोई भी फील्ड में हो एंड उम्मीद है कि ये करियर स्पेसिफिकली विथ एक्टिंग छोड़कर अगर कोई और जहाँ करियर है वहाँ पे भी लोग ज़रूर उसे बढ़ावा दें और प्रोत्साहन दें ताकि बच्चे जो हैं दे आर अ फ्यूचर. एंड आई फील कि अगर प्लेटफॉर्म हो या ना हो बट पेरेंट्स को तो ज़रूर है. मैं कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को इनकरेज करें, उनमें जो भी टैलेंट है वो उसे उसको बढ़ावा दे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो राइटिंग में हो या स्पोर्ट्स में हो या एक्टिंग में हो या कहीं पे भी हो. सो आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. वेल एक्चुअली मैं मानती हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ. मैंने एक मराठी फिल्म भी की थी जहाँ मैंने वो पूरी ऑथोबायोग्राफिक कहानी थी फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 60. तो 16 साल से लेके 60 साल की उम्र तक का किरदार मैंने निभाया है आई थिंक, एंड बहुत ही अच्छे से लोगों ने लिया है. एंड टाइम्स हैव चेंज्ड. आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के पीपल रियलाइज के इट्स एन एक्टर्स मीडियम एंड आजकल ऐसा कुछ क्लीशे नहीं रहा और ना रहेगा. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस हैव ऑलरेडी डन रोल्स. ऐसा मैं पहली तो हूँ नहीं. एंड आई थिंक द आइडिया इज ऑलवेज दैट यू आर एन एक्टर एंड इट डजंट मैटर कि आप क्या रोल प्ले करते हैं. आई वुड लव टू इवन प्ले अ फुल नेगेटिव फिल्म जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो. एंड आई वुड लव टू डू इंटरेस्टिंग रोल्स ऑलवेज. मैंने हमेशा से यही किया है चाहे मैंने जितनी भी फिल्में की हों, वो अलग टाइप की फिल्में हुई हैं, ईच हैज़ बिन डिफरेंट फ्रॉम द अदर. भले कम मैंने फिल्म की है बट हमेशा उम्मीद यही रही है दैट एवरी फिल्म में मैं अलग दिखूँ और लोग मुझे अलग तरीके से देखें. यस, लाइक आई सेड, बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए चाहे जो भी टैलेंट हो. एंड आई थिंक एक इंस्पिरेशनल फिल्म है दैट नेवर गिव अप एंड डू योर बेस्ट टिल द पॉइंट यू कैन एंड नेवर से नेवर. This
पर्सनली आपका पर्सनल रियल लाइफ में जो अंदर प्रीवियस बच्चे हैं उनके साथ आपका कैसा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है और इस फिल्म में आपको कितना मदद किया? Well, I my heart reaches out to children. I love children very much. Or as a underprivileged ho ya koi bhi ho, I think I've always told people that children are our future. And is film se kuch badla nahi hai, wo sirf badh gaya hai. And I hope jo main feel karti hu for a very long time, not even now, but for I think before I started my acting career, I hope ye film se to aur zyada logo tak pahunch jaye ye message to care for not just underprivileged but also for all children. And ये हमेशा याद रखिए दैट यू आर ऑलवेज कहीं आप भी तो बच्चे थे एंड आप हमेशा बच्चों को बढ़ावा दे देयर आर एब्सोल्यूट फ्यूचर. मैडम पहले फिल्मों को सेंसरशिप किया जा रहा है तो अभी मीडिया में भी सेंसरशिप किया जा रहा है तो क्या कहना चाहिए? Well, I'm not on the censor board. मैं भी कुछ कहना नहीं चाहूँगी उसके बारे में बिकॉज इट्स आई थिंक ये जहाँ लागू होता है वहाँ लागू होता है एंड दैट्स नॉट समथिंग आई वुड वॉन्ट टू कमेंट ऑन. आई एम सो सॉरी. Yeah, thank you.